नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमेठी जामो से है। आज मिशन शक्ति के तहत विश्व बाल दिवस के मौके पर जनपद के थाने की कमान छात्रा के हाथ में रही, जहां यूनिसेफ के प्रदेश प्रभारी के आग्रह पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने इसके लिए अनुमति दी थी कि इस प्रयोग से छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के साथ ही यह एहसास भी होगा कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। यूनिसेफ के प्रदेश प्रभारी ने डीजीपी को इस संबंध में पत्र लिखा था। उन्होंने प्रदेश के हर जिले में यह प्रयोग कराने का आग्रह किया था, जिसके तहत डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था ने प्रदेश भर में एडीजी आईजी और एसएसपी को विश्व बाल दिवस के मौके पर छात्रा को हर एक थाने का थानेदार बनाने को कहा। जहां आज मिशन शक्ति के तहत विश्व बाल दिवस के मौके पर अमेठी जनपद के सभी थाना का नजारा बदला हुआ दिखाई दिया, वहीं थाना जामो में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा अनामिका विश्वकर्मा को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। जहां एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनी छात्रा ने की फरियादियों की शिकायत सुनी, वहीं एक महिला कांस्टेबल का बिना मास्क के पाए जाने पर 100 रूपये का चालान भी काटा। वहीं मौके पर जाकर समस्याओं के समाधान के लिए दोनों पक्षों से बात की। बताते चले, मामूली बात पर दो पक्षों में हुई मारपीट पर घायलों के इलाज के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी ब्यूरो चीफ अनिल कुमार दुबे के साथ अमेठी से जिला संवाददाता ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम अनामिका विश्वकर्मा है। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 10 की छात्रा हूं। आज आपको एक दिन के लिए जामो खाने का आनंद चार बनाया गया, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं आज एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूं। और यहां मैंने जो देखा कि यहां महिलाओं का बहुत ज्यादा ही सम्मान किया जा रहा है, इससे मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि अब लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगी? मेरा सपना है पुलिस बनना। आज आपके द्वारा कितनी शिकायतें आपके सामने, कितनी का निस्तारण किया गया? आज बस यही कोई 4-5 शिकायतें आई थी, जिसमें से मैंने एक निवारण तो कई शिकायतों का किया, पर एक मौका वारदात पर मैंने भी जाकर वो उसकी जांच की।